हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? अरे हना कहाँ चली गई, वो तो हमारे साथ आई थी। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? मेरा नाम हना मेहंदी रहता है, आप मेरा चैनल देख रहे हो जिसका नाम हना स्टाइलिस्ट है। अरे हना, तुम कहाँ चली गई थी, हम तो तुमको यहाँ पे ढूंढ रहे थे। मैं तो पीछे थी, मतलब पीछे हाइड हो गई थी। बारिश होने से आज मौसम भी बढ़िया हो गया, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम पार्क में जाके वीडियो शूट करें। आज संडे का दिन है, बच्चों की भी छुट्टी है आज, और आपको हना के फ्रेंड्स के साथ मिलवाए। हाँ तो बताइए, आप कौन हो हना की बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड, क्या नाम है आपका? बेस्ट फ्रेंड पीहू। और ये है पीहू का ब्रदर भाई, क्या नाम है? भावी। आज हम आपको दिखाएंगे कि जो हना और हना की फ्रेंड जब पार्क में आते हैं तो ये दोनों मिलके सारा दिन करते क्या हैं, ये कैसे मस्ती करते हैं, क्या शरारतें करते हैं, क्या एक्टिविटी करते हैं। तो हम आपको ये भी दिखाएंगे कि जब आप पार्क में आओ तो आपको फिजिकल एक्टिविटीज भी करनी चाहिए ताकि आप हना जैसे हेल्दी रहो। ये देखो कितनी हेल्दी है। अब हम आप दिखाते हैं कि अब ये क्या करेंगे पार्क में। अब हम करने वाले हैं वार्म अप एक्सरसाइज रनिंग। एक्सरसाइज करने से पहले हमें रनिंग करनी चाहिए। अब हम करने वाले हैं लेग स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज, चलो चलिए हमारे साथ। हना जा रही है मंकी बार पे हैंगिंग करने के लिए। तो हना कितनी बार करते हो दिन में ये? चार बार हना हैंगिंग करती है इसके ऊपर। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन शुरू शुरू में आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो ये हना और हना उसकी फ्रेंड दोनों यहाँ पर बैठे रहते हैं, कभी कभी आधा आधा घंटा एक एक घंटा, और पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं ये बैठ। तो अभी हना आपको बताने वाली है कि मंकी बार के ऊपर अगर आप चढ़ गए हो तो वहाँ से कैसे उतरते हैं। मैं तो नॉर्मली उतरती हूं। तो ये देखिए, ये है इसका उतरने का तरीका, ये देखिए। अब हम आपको हट में लेके जाने वाले हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि हम बैलेंस कैसे बनाते हैं। चलो हम आपको ले चलते हैं पीछे हट में। फ्रेंड्स, अब आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ पे कैसे चलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको बैलेंस वाली गेम है ये अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में करनी है, क्योंकि अभी यहाँ पर हाइट बहुत ज्यादा है और हना ने बहुत बार पहले प्रैक्टिस की हुई है तो इसलिए वो कर पा रही है इसे। नहीं तो आप कम हाइट पे भी बैलेंस वाली गेम की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। पहले छोटे से फिर बड़े। हाँ, पहले छोटे से, छोटी हाइट से, फिर बड़ी हाइट से। चलो जी, पीहू अब करेगी। अब आपको पीहू बैलेंस बना के दिखाएगी। चलो जी, अब पीहू की टर्न है, चलिए पीहू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप ये दोनों कितनी बार करते हो ऊपर बैलेंस के लिए, कितनी बार वॉक करते हो? हम 5 times कर लेते हैं। हाँ, तो अब आपको मेरे ख्याल से बैलेंस तो बनाना अच्छी तरह आ गया होगा, है ना? अच्छे से आ गया, बहुत अच्छे से आ गया। पहले आपको पहला स्टंट दिखाती हूँ। दिखाइए। तो फ्रेंड्स, अगेन हम आपको दोबारा कह रहे हैं कि हना ने इन चीजों के लिए बहुत प्रैक्टिस की हुई है, तो प्लीज आप ये बिना पेरेंट्स के प्रेजेंस में मत कीजिएगा। अब मैं आपको करना सिखाऊंगी। तो अब ये देखिए, अब आ गई पीहू की टर्न। ये देखिए, अगर आप बिना प्रैक्टिस के करेंगे तो आपको चोट भी लग सकती है। फ्रेंड्स, हुला हूप भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, चलो हम आपको हुला हूप करके दिखाते हैं। तो हना ने अभी हुला हूप करना सीखा ही है थोड़ा बहुत, लेकिन अच्छा कर लेती है।
अभी 4-5 दिन से इसने प्रैक्टिस करनी शुरू की है। 4-5 दिन नहीं, 10 दिन हो गए। हैं 10 दिन हो गए। अच्छा तो ये देखिए क्या बात है, कर लेती है। वेरी गुड गुड। फिर पीयू के बाद आएगी हना की मम्मा की बारी। अरे वाह, अरे अब हम आपको पैर पे भी घुमा कर दिखा सकते हैं। पैर पे भी आता घुमाना आपको? तो ये आ गया भाभी करने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत फास्ट, सुपर फास्ट। ये देखिए क्या बात है। अरे ये तो लेग्स लग गया करने। अरे इसने तो इन लड़कियों से भी सबसे ज्यादा फास्ट किया है। तो अब आ गई हन्ना की मम्मा की बारी। तो चलिए करिए, ये देखिए झिंग 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 झिंग। ये तो जैसे ऊपर से शुरू होता है वैसे नीचे गया ये तो। ये देखिए क्या बात है। हम मम्मी को शायद लगेंगे 1 या 2 साल सीखने में, लेकिन कर लेगी जरूर। फ्रेंड्स अब हम इस पे चढ़ते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। क्या हो गया? ये देखिए हम ये एक्सरसाइज होती है अपने हैंड आर्म्स के लिए। और इन्होंने हम यहाँ पे हमेशा रहते हैं, एंजॉय करते हैं, एंजॉय करते हैं हम यहाँ पे गोल गोल घूमते। ये तो फर्स्ट टाइम ही देख रहे होंगे ऐसी गेम। ये इन्होंने एक्सरसाइज गेम को पता नहीं ड्राइविंग के लिए यूज करते हैं। ये देखिए ऐसे लग रहा है जैसे कार चला रहे हैं। ये स्टेरिंग के ऊपर बैठ के स्टेरिंग के ऊपर बैठ के देखो क्या कर रहे हैं। हम शिमला जा रहे हैं। शिमला जा रहे हैं। व्यू कहाँ जा रही है? हम साथ साथ जा रहे हैं बाइक पे बैठकर। तो फ्रेंड जैसे हमने आपको बताया कि दोनों हना और पीहू बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इन दोनों को आपस में एक दूसरे की कौन सी चीज अच्छी लगती है। तो हना आपको पीहू में क्या अच्छा लगता है? ये बहुत फ्रेंडली है, केयरिंग और हेल्पफुल है। और पीहू आपको? हना मेरी बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट में बनी थी और मेरे को वो बहुत अच्छी लगी, तो वो बहुत केयरिंग है और हेल्पफुल है। तो ये सेम क्वालिटीज, केयरिंग और हेल्पफुल। तो आप ये बताइए कि दोनों जब आपस में घूमते रहते हो आधा आधा 1-1 घंटा, तो क्या बातें करते हैं? स्कूल की बातें करते हैं, जो फनी फनी हुई होती है। अच्छा, स्कूल की फनी फनी बातें करते हो। दोनों 9 इयर्स के हैं और दोनों सेम क्लास में। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हम सारा दिन घर में मोबाइल देखते रहते हैं, तो हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होती। तो हम जब अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर पार्क में आते हैं तो हम कितनी मस्ती करते हैं, कितना एंजॉय करते हैं। तो इससे हमें क्या लर्निंग मिली कि हमें आउटडोर गेम्स खेलनी चाहिए, जिससे हम हेल्दी बनते हैं, खुश रहते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी गेम्स खेलना, खुश रहना, स्ट्रांग बनना और हेल्दी बनना। बाय बाय फ्रेंड्स।